हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ ओप्पो का फ़ोन है। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आप लोग को यहाँ पर जाना होगा सेटिंग पर। आप लोग सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। आपको थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर देना होगा। इस तरीके से ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आप लोग बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। आप लोगों को जाना है एडिशनल सेटिंग पर। एडिशनल सेटिंग पर जाएंगे और आप लोग बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे। आप लोगों को जाना होगा बैकअप और रीसेट पर। बैकअप और रीसेट पर जाएंगे और आपको यहाँ जाना है इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पर। आपको जाना है रीसेट सिस्टम सेटिंग रीसेट और रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। रीस्टोरिंग जो हो रही है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक रीस्टोरिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। आप देख सकते हैं सिस्टम की सेटिंग जो है रीस्टोर हो चुकी है। तो इस तरीके से जो भी आपके फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी वो जो है खुद से सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।